दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं अपने स्नैपचैट अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकता हूँ। सिंपली यहाँ पे मुझे डिलीट और रीएक्टिवेट माय अकाउंट इस पे क्लिक करना है, और यहाँ से अपने स्नैपचैट अकाउंट को डीएक्टिवेट और डिलीट करने के लिए इस पे क्लिक करना है। और अब आपको नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, और नीचे स्क्रॉल करने पे डिलीट माय अकाउंट दिखाई देता है, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे बस आपको नीचे स्क्रॉल करना होता है। नीचे स्क्रॉल करने पे यहाँ पे स्नैपचैट आईडी देखने को मिल जाएगा, यूजर नेम। आपको अपने स्नैपचैट अकाउंट का पासवर्ड इंटर कर देना है और कंटिन्यू करके अपने स्नैपचैट अकाउंट को परमानेंटली हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हो। लेकिन इतना प्रोसेस करने के बाद अभी आपका केवल स्नैपचैट अकाउंट डीएक्टिवेट होता है, डिलीट 30 डेज बाद होगा जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप इन 30 डेज में अपने अकाउंट को कभी भी लॉगिन कर लेते हो तो आपका डिलीशन प्रोसेस कैंसिल हो जाएगा और वापस से अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा। तो इतना प्रोसेस करने के बाद आपको अपने स्नैपचैट अकाउंट को कभी भी 30 डेज में लॉगिन नहीं करना है, अगर आप चाहते हो कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली डिलीट हो जाए, हमेशा के लिए डिलीट हो जाए। और इन बिटवीन इन 30 डेज में किसी को आपका आईडी शो नहीं होगा, और 30 डेज बाद तो जब डिलीट हो जाएगा तब तो शो नहीं ही होगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, आज के वीडियो का टॉपिक यही है कि कैसे आप अपने स्नैपचैट अकाउंट को परमानेंटली हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हो। अब स्नैपचैट अकाउंट को हमेशा के लिए परमानेंटली डिलीट करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं। डिलीट करने के लिए सिंपली आप स्नैपचैट ऐप ओपन कर लोगे। स्नैपचैट ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे आप अपने प्रोफाइल में आ जाओगे। प्रोफाइल में आने के बाद आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको अपने स्नैपचैट का यूजर नेम देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर ऐड किया होगा तो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा शुरू में, अपने स्नैपचैट अकाउंट को डिलीट करने के लिए आपको स्नैपचैट का पासवर्ड लास्ट में इंटर करना होता है। तो अगर इनकेस आपको अपना पासवर्ड पता नहीं है, भूल गए हो, तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपने पासवर्ड को रीसेट करके नया पासवर्ड बना लोगे। और पासवर्ड को रीसेट करने के लिए आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पे वेरिफिकेशन कोड भेजा जाता है। तो किसी भी माध्यम से आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करके पासवर्ड को रीसेट कर लोगे। इसके लिए यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे अगर आपको पासवर्ड याद होता है तो अच्छी बात है, पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करोगे, और भाया फोन या फिर ईमेल आईडी आप अपने पासवर्ड को रीसेट करके पासवर्ड पता कर लोगे, यानी कि नया पासवर्ड बना लोगे। मुझे मेरा पासवर्ड पता ही है, मैं बैक कर लेता हूँ। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको सपोर्ट में यहाँ पे आई नीड हेल्प इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद अभी आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे आपको स्नैपचैट सपोर्ट ये दिखाई देगा, आपको साइड में ये 3 लाइन दिखाई देता है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद मैनेज माय अकाउंट ये दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको डिलीट और रीएक्टिवेट स्नैपचैट अकाउंट ये दिखाई देगा, और यहाँ से आप प्रोसीड करके डिलीशन प्रोसेस कम्प्लीट कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया, उन स्टेप्स को फॉलो करके। बाकी ये ऑप्शन लाने के लिए आप डायरेक्टली आई नीड हेल्प में जाने के बाद यहाँ पे डिलीट सर्च करोगे तो ये दिखाई दे देगा।